मैं मी साहब आम जिथे डिपुआ से देखा गया कि लोग कारा तो भर भर के जिड़िया ज आम किसी को सैकल तो मसी ढोन नहीं होंदा तो जिहड़ी सरकारी कणक मिलती है और लोग कारा तो भर भर के गड्डिया गड्डी तो कणक सस्ती दिखा रहे हैं अपने गरीब तो लै जाने कारा तो या मोटरसाइकलों से ढो ढो के गड्डिया ढो रहे हैं कणक ये बात की कहना तुम इस बारे साड़ी जो सरकार है भगवंत मान जी की उन्होंने बहुत इस मैटर सीरीयस लिता क्योंकि पिछली जो कणक वंडी गई सी कुछ बंदे अपन बहुत बड़िया बड़िया गड्डिया के कारा कणक लैके जा रहे थे तो उस वेले एक इन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया भी जिहड़े भी नजायज़ कार्ड बने हुए ने जिहड़े लोड़वंद नहीं और उन्होंने जिहड़े कार्ड आ उन्होंने शनाख्त करके कार्ड कट्टे जाण जो भगवंत मान सरकार ने खन्ने शहर के म्युनिसिपल कमेटी की और पिंडा दे विच बी डी ओ ऑफिसर के जो संबंधित अधिकारी से उन्होंने ड्यूटी लाई सी और ड्यूटी के दौरान जिहड़े उन्होंने चंगे लगे भी ये मतलब नजायज़ कार्ड बने हुए ने वो कार्ड उन्होंने कट्टे लेकिन साड़ी उरे नॉलेज दे विच आया कि कुछ कार्ड कुछ बहुत मतलब मिनीम कार्ड वह गलत कट्टे गए लोड़वंदा के कट्टे गए जिन्हां दे मकानां दे उपर छत्तां तक नहीं हैगियां और जिहड़े गरीब बंदे ने बहुत गरीब बंदे ने और इमीजिएटली मैटर जो सीगा साडा जिन्ने भी पांच छे पिंडां साडे कोल बंदे आए सी नुमाइंदे आए सीगे असी एस डी एम मैडम टेकअप किया और एस डी एम मैडम ने बहुत वधिया सुझाव दिता कि तुसी जिन्हां दे कार्ड कट्टे होए ने उन्हां दे कोल इतराज़ फार्म लै लो इतराज़ फार्म तो बाद उसकी एक रीवैरीफिकेशन होगी अगर वो रीवैरीफिकेशन दे विच योग पाए जाते हैं तो उन्होंने जो कणक है वह मिलती मिलेगी अगर वो योग पाए जाते हैं तो वह कणक की जी हैगी है उन्हों की कट्टी जाऊगी और दूजे पास मैं और कहना चाहना कि जो हारिया हुई पार्टियां ने कांग्रेस पार्टी या कोई रवायती पार्टियां ने इन्हों कुछ नहीं चाहिए इन्होंने सिर्फ मौका चाहिए भी आप आम आदमी पार्टी को बदनाम करना साड़ी आम आदमी पार्टी स्पैशल तौर के उपर खन्ने का जो यूनिट हैगा वो सवेर तो लैके शाम तक हर वेले सेवा च लग्या रहिंदा और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम असी दूर करते हैं ये जो मैटर हैगा साडे सत्कारयोग एम एल ए साहब की नॉलेज के भी आया और असीं नूं बार फुटिंग लैवल के उपर फूड सप्लाई के अधिकारियों के नाल एस डी एम मैडम के नाल यह गलबात साडी चलती है और जो जेन्युइन कार्ड होणगे नजायज़ कट्टे हुए वो रिस्टोर करांगे और जो जायज़ कार्ड ने जी जिहड़े एलिजिबल नहीं हैगे वो कार्ड उस तरह ही मतलब कट्टे रहेंगे जिन्हां कोल कारा ने या एसी घर लगे हुए ने कि जिहड़े कणक ले रहे उन्हां ते कार्रवाई होएगी सर जिहड़ा नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के मुताबक अगर किसी का कार्ड बनया होया और वो शर्तां मतलब वायलेशन हुंदियां उन्हां दे विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई बनती है और सरकार जो भी मुनासिब कार्रवाई वो करेगी सर अज सब तो पहला तो मैं साडा मुद्दा जो चकन लिए मीडिया के बहुत बहुत धन्यवादी हाँ तो क्योंकि साड़ी आवाज़ तुहाडे राही लोगों तक पहुँचनी है मैं पेंडू खिते नाल संबंधित हाँ शहर च भी मेरा रहायश है मैं देखिया पिंडां दे विच वोटां तों पहलां पिछली सरकार ने 7000 कार्ड कट दिता सी उहदे विच की है पहलियां सरकारां जद कार्ड बनाए तो अपने चहेतियां दे दो दो घर च गड्डियां डेढ़ डेढ़ लख दा कुत्ता रखिया बड़ियां बड़ियां कोठियां वालिआं दे कार्ड बना दित्ते पर बहुत सारे लोगों के कार्ड नहीं बने गरीब लोगों के कार्ड नहीं बने हुण साडी पार्टी ए तैयार कर लिया पार्टी ने कि जिहड़े नजायज़ लै रहे ने उन्हां ते बनदी कार्रवाई भी की जाऊगी तो उन्हें राशन कार्ड भी कट सॉरी नीले कार्ड भी कट्टे जाणगे पर दुख की गल यह है कि पिछलियां सरकारां ने धोखा क्यों किया गरीब लोगों नाल असीं उह वितकरे नूं दूर करके जिन्हां दे कार्ड नहीं बनाए गए पिछलियां सरकारां नाल उह भी बनावांगे तो जिहड़े नजायज़ ने उह घटावांगे तो यह साडा मैसेज आ लोगों नूं मैं बेनती करदा इन्हां दीआं गल्लां च ना आयो इन्हां ने धक्के नाल नजायज़ कार्ड बना के गरीब लोगों का हक मारिया जिहड़ा कि असीं लोगों नूं दवावांगे साडी जिहड़ी पार्टी है लोक पक्षी है ना कि रजवाड़ियां दे पक्षी है इन्हां ही कहिंदा मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिहड़ा नीले कार्डां दा रौला पिया है भी आम पब्लिक कह रही है भी साडे नीले कार्ड कट्टे जा रहे ने और अखबारां च इह मुद्दा उठाया जा रहा है उहदे संबंधी की कहने कई जगह इह भी मुद्दा उठाया भी आम आदमी पार्टी करके भी उह कटा रहे ने जदों की गल असलीयत की है देखो गल ये है कि दफ्तर भी मेरे को काफ़ी पिंडा तो लोग भी आए हैं खन्ने तो काफ़ी महल्ले तो भी आए हैं मेरे को यही कंप्लेट है कि साडा नाम राशन कार्ड का जो कार्ड कट्टिया गया है
साडा कोई ये टेंशनली असी काम नहीं किया। कुछ सरकार ने अपने लैवल पर कोई इनकुआरी कर ली इनकुआरी कर लगे कुछ उन्होंने जजमेंटा कुछ हो गई तो मैं उन्होंने पिंड असियां की कंप्लेंट सुन के मैं उन्होंने आश्वासन दवाना है कि पहली गल तो ये दिमाग दे विचों ये कढ दिओ कि आम आदमी पार्टी की सोच कोई यही जी है। असी कोई इदां दा मोटिव नहीं रखिया। असी तो ये कहने हैं कि हाँ जरूर छानबीन होनी चाहिए है, जिहड़ा नीडी परसन है उहदे घर राशन जरूर पहुँचना चाहिए। जिहड़े लोग घरे बैठे गड्डिया घूमते ने घरां दे विच उहनां दे मोटरसाइकिल खड़े ने घरां दे विच थार गड्डिया खड़िया ने उहनां दे राशन असी जरूर कटवाउण वास्ते कहे ने। गरीब दे असी राशन कटवाउण बिल्कुल नहीं हक चाहिए। मेरे को कंप्लेटां आईयां ने असी एस डी एम मैडम नाल साडे मेमी साहब ने भी गल की उन्होंने भी सानूं आश्वासन दिता कि दुबारा रिवाइज करके असी जिहड़े भी कोई किसी का नजायज कट्टिया उसनों दुबारा असी रेगुलाइज करांगे। सो ये साडी वल्लों कोई इस तरह की टेंशन नहीं कि असी राशन कार्ड असी आम आदमी पार्टी कटवा रही है। ये कुछ गल्लां ने कि असी किसी बदनाम नहीं करते कौन हरकत कर रहा है, पर लोग ये ना निशाना बनाउण कि आम आदमी पार्टी सरकार आई ये काम कर रही है। बिल्कुल नहीं, साडी सरकार है जिहड़ी लोगों के हित दे विच लोगों के हक दे विच असी खड़े हैं। तुसीं पंजाब सरकार दीआं हुण तक दीआं जो गतिविधियां देखियां ने असी जनता नूं खुशहाल पंजाब नूं खुशहाल देखना चाहुंदे हैं। ये बिल्कुल मैं दोबारा फिर कहना कि अपने मन दे विचों ये गल सोच कढ दिओ कि आम आदमी पार्टी कोई इस तरह की कुछ ही हरकत कर रही है। सो हुण साडे दफ्तर तों एमएमई साहब जी तुहानूं इस बारे पूरी गल दस्सणगे। खन्ना तों परमजीत सिंह धीमान की खास रिपोर्ट।